स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर सिक्स पार्ट टू से। इससे पहले का पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू, यानी अ क्लोजर लुक हम्पी मसूलीपट्टनम एंड सूरत, द आर्किटेक्चुरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगाभद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336। यानी कि जो हम्पी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे जगह दे रखी है उसकी, उस किनारे पे बेसिस है जो कृष्णा है, रिवर है, और उसके अलावा मेन एज अ मेन सेंटर बना था वो विजयनगर एम्पायर का, जो 1336 के टाइम पे इवॉल्व हुआ था। जो मैग्निफिशेंट रूइंस है हम्पी की, वो बहुत ही अच्छे से सिटी प्रॉपर मैनेज्ड है। फॉर एग्जांपल, कोई सिटी जब अगर किसी राजा के टाइम पे बनती है तो क्या होती है, फुल डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पे भी वही है, नो मॉर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। सबसे बड़ी क्वालिटी जो है, मैं इसको हाईलाइट करूँगी, कोई भी सीमेंटिंग एजेंट यानी कि सीमेंट लगाने के लिए कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था कंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि क्या हुआ था, टेक्निक ऐसे यूज़ की गई थी ताकि उनको साथ में बाउंड कर दें इंटरलॉकिंग से, यानी एक दूसरे को इंटरलॉकिंग से वो बाइंड कर दें, इस तरह से यूज़ हुआ था। उसके बाद है, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद निश फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। यानी कि जो हम्पी का आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत फेमस है, बहुत ही अलग है। जो उसके बिल्डिंग्स हैं रॉयल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे राजा महाराजा पहले रहते थे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी अच्छी आर्क्स हैं, वहाँ पे डोम्स जो होते हैं ऊपर, गुंबद जो होते हैं, जो हॉल्स होते हैं पिलर्ड हॉल्स, वो क्या है, एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, काफ़ी अलग स्ट्रक्चर है। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्किड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर्स मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बल्स। मतलब उनके प्रॉपर गार्डन जो हैं वो पूरे अच्छे से संपूर्ण हैं। इन इट्स हेयडे इन द 15-16 सेंचुरी हम्पी बस्टल्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। यानी 15-16 सेंचुरी के टाइम पे हम्पी में काफ़ी ज़्यादा ही कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। मुस्लिम मर्चेंट चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर सच एज पोर्तुगीज थ्रॉंग द मार्केट ऑफ हम्पी। कई सारे मुस्लिम मर्चेंट्स जो थे, चेटीज जो थे, यूरोपियन ट्रेडर के जो एजेंट्स थे, वो लोग क्या करते थे, उस मार्केट में आके ट्रेड वाला काम करते थे, लेते थे सामान, बेचते थे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवादासीज टेम्पल डांसर परफॉर्म बिफोर द डायटी रॉयल्टीज एंड मासेज इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्षा अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। एक दे रखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो टेम्पल्स थे वहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, और देवदासीज़ यानी कि जो टेम्पल में डांसर्स होती थी, जो भगवान के सामने डांस करती थी या जो रॉयल लोग होते थे उनके सामने जो डांस करती थी, वो इन हॉल्स में डांस करती थी। ठीक है, द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। यानी कि महानवमी, जो नवरात्रि हम उसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो हम्पी में सेलिब्रेट होता था। ये भी एक इमेज है यहाँ पे दे रखा है, स्टोन कैरियाउट विठाला टेम्पल हम्पी, आप इसको देख सकते हो, ये नोट पे भी होता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम सबॉर्डिनेट चीफ। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को महानवमी प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे क्या होता था, किंग अपने गेस्ट से गिफ्ट रिसीव करते थे, या फिर जो अपने चीफ होते थे उनसे वो ट्रिब्यूट रिसीव करते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। यानी कि इसी जगह से क्या करते थे, वो लोग डांस वगैरह देखते थे या म्यूजिक परफॉर्मेंस देखते थे या फिर रेसलिंग बाउट्स देखते थे। हम्पी फेल इन टू रून फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565 बाय द डेक्कन सुल्तान द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा बीजापुर अहमदनगर बेरार एंड बिदार। यानी कि हम्पी कब खराब होना शुरू हुआ, जब वो वहाँ पर किंग वगैरह हारने लग गए थे, दैट वाज इन 1565, और किससे हारे थे, डेक्कन के सुल्तान जो होते हैं उनसे हारे थे। द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा बीजापुर अहमदनगर बेरार एंड बिदार, इन सब से हम्पी के जो मेन मतलब विजयनगर के जो राजा वगैरह थे वो डिफीट होने लग गए थे। नाउ अ गेटवे टू द वेस्ट दैट इज सूरत। सूरत जो है गुजरात में वॉज द एम्पोरियम। अब एम्पोरियम का मतलब यहाँ पे लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अ प्लेस वेयर गुड फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड। एम्पोरियम होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं। तो जो सूरत था गुजरात में, वो एक एम्पोरियम था किसके लिए, वेस्टर्न ट्रेड के लिए। ठीक है, मुगल पीरियड के टाइम पे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, एंड सम वॉट लेटर अहमदाबाद।
ठीक है। सूरत वॉज द गेट वे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वी आर द गल्फ ऑफ ऑर्मुज, यानी कि जो सूरत था वहाँ पे क्या होता था, ट्रेड होता था कहाँ से, देखो फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एशिया से ट्रेड होता था किसकी तरफ, गल्फ ऑफ ऑर्मुज जगह है। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मेका बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हेयर, यानी कि सूरत को गेट टू मेका, ठीक है, मतलब मेका तक के गेट बोलते थे क्योंकि कई सारे पिलग्रिम्स जो मेका जाते थे वो क्या करते थे, यहीं से अपनी शिप को लेके जाते थे। द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्टेज एंड क्रीड लिव्ड हेयर, ये जो सिटी थी ना यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, ठीक है, काफ़ी सारे कास्ट के, डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। 17th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज थे, डच थे, इंग्लिश लोग थे, उनके मतलब वेयर हाउसेज और फैक्ट्रीज यहाँ पे बन चुके थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689, एन एवरेज 100 ships ऑफ डिफरेंट कंट्री कुड बी फाउंड एंकर एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेड होता था कि किसी भी टाइम पे अगर नॉर्मली देख लो तो क्या होता था, 100 के करीब शिप्स अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पोर्ट पे, यानी किनारे, सी के किनारे यहाँ दिख जाते थे। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, कई शॉप्स थी जो मतलब कॉटन का कपड़े वगैरह बेचती थी। और जो टेक्सटाइल था सूरत का वो बहुत ही फेमस था, किसके लिए, गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए जिसको जरी बोलते हैं, और हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप, यानी कि यहाँ का जरी का काम बहुत ही फेमस था कई बाहर के मार्केट्स में। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी, यानी लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट हाउसेज वगैरह बना लिए थे, किसके लिए, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए जो अलग अलग जगह से आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेज बिल्ड हो गए थे। देयर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इननंबरेबल प्लेजर पार्क्स, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, काफ़ी सारे पार्क्स थे जहाँ पे लोग घूमते थे। द काठीवाड़ सेठ्स और महाजन्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, यानी कि जो लोग मनी एक्सचेंज वगैरह में रहते थे, मनी चेंज करते थे, उधर के देश की मनी कोई चेंज करके अपने देश के मनी में कन्वर्ट करते थे, वो सब भी, उनके भी घर सूरत में थे, उनके बैंकिंग हाउसेस भी सूरत में थे। इट इज नोटवर्दी दैट द सूरत हुंडीज, हुंडीज क्या लिखा है, इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। हुंडी क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 50 रुपए दिए और मुझे बोल दिया गया कि ये आपका एक टोकन है, अगर आप कहीं भी दिखाओगे तो आपको 50 रुपए मिल जाएंगे। तो ये जो हुंडी होते थे, सूरत के हुंडीज, उनको मतलब बाकी जगहों पे भी ऑनर किया जाता था, यानी बाकी जगह पे भी चल जाते थे। तो ये जगह के नाम लिखे हैं जहाँ पे हुंडीज चल जाते थे। हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी के एंड तक जो सूरत था वो डूबने लगा था, मतलब उसके जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म होने लगी थी। ये क्यों हो रहा था, कई फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी में कम, मतलब जो भी उत्पाद होता था वो कम हो गया था। क्यों, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल एम्पायर का भी पतन हो रहा था। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, 17th सेंचुरी के एंड में मुगल एम्पायर भी धीरे धीरे हट रहा था, तो साथ में मार्केट भी खराब होने लग गया था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668, यानी कि एक तो जो पोर्तुगीज थे, मैं इसको ग्रीन से मार्क करती हूँ ताकि आपको दिखे, एक तो कंट्रोल जो था सी रूट्स पे, क्योंकि सी रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स होते थे किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग के लिए, लोग आते थे अलग अलग कंट्रीज से, तो वो सब हाथ से जा रहा था। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपना हेडक्वार्टर 1668 में शिफ्ट कर लिया था वहीं पे बॉम्बे में, तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन था, ठीक है। तो सूरत आज भी एक काफ़ी अच्छा कमर्शियल सेंटर है, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन, लेज ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर, यानी कि ये कहाँ पे पड़ता है, कृष्णा रिवर के पास पड़ता है मछलीपट्टनम। 17th सेंचुरी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। जो डच और इंग्लिश थे ईस्ट इंडिया कंपनीज के, उन्होंने मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि ये
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था आंध्रा के कोस्ट पे। जब भी कोई कोस्ट का पार्ट होता है ना, उसको लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे आने जाने के लिए। तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स वगैरह थी ये तो होती नहीं थी, तो लोग सी के थ्रू जाते थे। तो एक तरह से अगर उस पर कंट्रोल हो गया तो काफ़ी ट्रेड और बिजनेस पे कंट्रोल हो जाता था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। जो फोर्ट था मसूलीपट्टनम पे वो डच ने बनाया था। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इन टू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। कुतुब शाही का नाम लिखा है, जो रूलर थे गोलकोंडा के, उन्होंने कई सारी मोनोपोलीज लगाई थी सेल ऑफ टेक्सटाइल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेना सेल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ बिक रही है तो उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा, टैक्स आएगा, टैक्स लगता है, उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, ताकि जो बिजनेस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ना जाए। फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, यहाँ पे लिखा है कई ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जो सामान बेचते थे, उनके बीच में कंपटीशन बहुत था। ये सब नाम लिखे हैं। इनकी वजह से क्या हुआ था, सिटी बहुत पॉपुलर होने लग गई थी। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मिर जुमला, हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट, बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि जब मुगल अपना पावर को बढ़ा रहे थे, लाइक वो दिल्ली वगैरह से स्टार्ट करके गोलकोंडा की तरफ जाके उन्होंने जब अपनी पावर बढ़ाई, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, डच और इंग्लिश के बीच में लड़ाई बड़ाई करवाने की कोशिश करी। 1686 से 1687 तक मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा। उन्होंने ये गोलकोंडा को अपने मतलब अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया था मुगल और एम्परर औरंगजेब ने। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर अल्टरनेटिव, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अब अल्टरनेटिव ढूंढने लग गई कि कौन सी जगह पे वो कब्जा करें। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। मतलब ये उनकी एक पॉलिसी का पार्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ये सही नहीं है कि अगर एक पोर्ट है उसके कनेक्शन है किसी प्रोडक्शन सेंटर में जो हिंटरलैंड में, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। यानी कि जो भी नए कंपनी के ट्रेड सेंटर हैं उनके पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल सब कंबाइन होनी चाहिए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाता एंड मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी, बींग टूडे नथिंग मोर देन अ डायलापिडेटेड लिटिल टाउन। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपने तरीके से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी, कि एक अगर कोई जगह है तो वहाँ पे सब कुछ कंबाइन होना चाहिए। तो ट्रेडर्स धीरे धीरे फिर बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास मूव करने लग गए, जिसकी वजह से जो मसूलीपट्टनम, जो एक टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करता था जहाँ ट्रेडिंग वगैरह के लिए, वो बिल्कुल ही डूबने लग गया। नाउ द न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स, अब हम आगे का पढ़ रहे हैं। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। 16 से लेके 17 सेंचुरी में यूरोपियन कंपनी क्या ढूंढ रही थी, कंट्रीज ढूंढ रही थी स्पाइसेस और टेक्सटाइल जो फेमस हो यूरोप में भी और वेस्ट एशिया में। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट। यानी कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने क्या किया, मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ताकि वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाएं। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजी वोरा, हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, कम्पीटेड विद देम। शुरू में तो कुछ इंडियन ट्रेडर्स ने उनके साथ कंपटीशन किया। हाउ एवर, जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अपनी नेवल पावर को यूज़ किया, यानी कि जो भी जहाज़ वगैरह होते हैं उसको यूज़ किया, ताकि वो पूरा का पूरा सी का जो ट्रेड है उसको कंट्रोल में ले लें, और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको अपने अंडर ले आए। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। लास्ट में क्या हुआ, इंग्लिश जो लोग थे, ऑब्वियसली कंपनी जो थी वो एज सबसे सक्सेसफुल उभर के आई, सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही थी, सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एटसेट्रा। यानी कि क्योंकि कपड़ों की डिमांड बढ़ रही थी, तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि सिलना, वीव करना, डाई करना, उसको कलर डालना, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था। उसके अलावा लोग और ज़्यादा लिए जा रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। हाउ एवर, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल का डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बेटर हो चुका था। बट इस सब के चक्कर में एक चीज़ और जो नोटिस हुई कि यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी इंडिपेंडेंस खो गई थी। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मेंट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस टू यूरोपियन एजेंट्स। अब पहले वो अपनी मर्जी की तरह अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, एक तरह से उन्हें वही काम करना था जो उनको मिलता था, एक काम असाइन होता था तो वो उन्हें करना होता था यूरोपियन एजेंट्स के लिए। वी वर नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न। उनके ये खुद के पास, उनके पास ये अब हक नहीं था कि वो अपना खुद के कपड़े बनाए या उनको बेचे। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। उनको क्या करना पड़ता था, खुद ही डिज़ाइंस को मतलब बनाना पड़ता था दोबारा से, और जो भी कंपनी एजेंट्स उनको दे भेजते थे उसी में चेंजेस करने पड़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे उनकी फ्रीडम खत्म हो चुकी थी, जो पहले वो खुद के लिए बना के बेचते थे वो अब खत्म था। द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास विच आर नोडल सिटीज़ टुडे। यानी कि ये सिटीज़ जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, लेकिन इस टाइम पे इनका काफ़ी मतलब राइज हुआ। क्राफ्ट एंड कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आए, ठीक है। और वो ऐसी जगहों पे मूव करने लग गए, जो लोग थे मर्चेंट्स थे, जो आर्टिस्ट आर्टिसियंस थे, वो लोग ब्लैक टाउन्स में मूव करने लग गए जो यूरोपियन कंपनी ने बनाए थे सिटीज़ के अंदर ही। द ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कंफाइंड हेयर वाइल द वाइट रूलर ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम्स इन कलकत्ता। देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ, जो लोग कलर में ब्लैक थे, ठीक है, जिनकी स्किन कलर ब्लैक थी, वो लोग क्या हुआ, उन लोगों को तो मूव करना पड़ता था ऐसी जगह जो बिल्कुल साइड में ब्लैक टाउन्स टाइप से नाम से थी, और जो लोग बहुत वाइट थे, जिनकी स्किन कलर वाइट थी, वो लोग कहाँ मूव करने लग गए, वो लोग प्रॉपर अपने फोर्ट वगैरह वाले रेसिडेंस अच्छी जगहों पे रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। इसकी डिटेल्स जो भी स्टोरी है वो अगले साल पढ़ोगे। तो ये सब था अबाउट ट्रेडिंग वगैरह के बारे में। नाउ वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर ने क्या किया था, सी रूट्स को एक्सप्लोर करने की स्टार्ट करी। उन्होंने सोचा कि हम एक्सप्लोर करेंगे, और उन्होंने क्या देखा कि हम उनकी ये था कि देवर ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि कैसे इंडिया पहुंचा जाए और यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं उनको लिया जाए। वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज सेलर थे, उन्होंने अफ्रीका कोस्ट से क्या किया, पूरा घूम के इंडियन ओशन तक पहुँचे। उनकी जो पहली जर्नी थी उसको एक साल से ज़्यादा लगा। ही रीच कैलिकट इन 1498 एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्तुगल द फॉलोइंग ईयर। ही लॉस्ट टू ऑफ हिज फोर शिप एंड ऑफ 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। उन्होंने अपने इतने शिप मतलब खो दिए थे, इतने लोगों को भी खो दिया था जो स्टार्टिंग में थे, सिर्फ 54 लोग सर्वाइव कर पाए। इस सब के बाद भी द रूट्स दैट वर ओपन अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। लेकिन जो रूट्स उनके लिए खुले, क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्होंने ढूंढ लिया था कि कैसे पहुंचा जा सकता है, वो बाकी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इंडिया कैसे पहुंचा जाए। द सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलआउट। ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो इटालियन थे, उन्होंने क्या किया कि वेस्टवर्ड जाएंगे ताकि क्या हो, एक इंडिया के रूट में मिल जाए, उनको इंडिया का रूट मिल जाए। उनका ये था कि गोल है अर्थ, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज़ विच गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन इन 1492। वो वेस्ट इंडीज़ चले गए। ही वॉज फॉलोड बाई सेलर्स एंड कॉन्क्वरर्स फ्रॉम स्पेन एंड पोर्तुगल हु ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। तो उनके इस स्टेप से क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से और लोग जो पीछे थे वो वहाँ पे पहुँचने लग गए, और जो वहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनका रहना वगैरह हटा के खुद वो एस्टेब्लिश हो गए। तो वास्को डी गामा के बारे में कि कैसे उन्होंने इंडियन रूट ढूंढा। गोवा में एक जगह भी है वास्को डी गामा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे थ्रू भी उन्होंने काफ़ी कुछ पता लगाया था, तो उनके नाम पे भी हैं ये चीज़ें। तो ये था पार्ट टू चैप्टर 6 7th हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट वन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हिस्ट्री सिविक साइंस के और चैप्टर्स देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पे आपको जो चैप्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।